महाविकास आघाडीमध्ये सगळं काही सुरळीत आहे. सचिन वाजे प्रकरणाचा परिणाम सरकारवर होईल यावर आमचा विश्वास नसल्याचं शरद पवार यांनी म्हटलंय. सचिन वाजे प्रकरणाचा परिणाम सरकारवर होईल आणि यावर आमचा विश्वास नाही असं वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलंय. सोबतच महाविकास आघाडीत सर्व काही सुरळीत असल्याचं सांगायलाही ते विसरले नाहीत. केरळमधील काँग्रेसचे नेते पी सी चाको यांनी आज शरद पवार यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यावेळी दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदमध्ये शरद पवार बोलत होते. यावेळी राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल, साताऱ्याचे खासदार श्रीनिवास पाटील उपस्थित होते. और जहाँ बीजेपी के साथ इनके खिलाफ फर्जी से थे, एक अल्टरनेटिव तैयार करने की जरूरत जब आती है या स्थिति पैदा होती है, तब लाइक माइंडेड लोगों के साथ हम बैठने के लिए मिनिमम एग्री प्रोग्राम के आधार पर हमेशा तैयार रहते हैं. कांग्रेस भी तैयार रहती, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं. इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति है. इस स्थिति के अनुसार हर पॉलिटिकल पार्टी वहाँ के लोगों की एक्सपेक्टेशन मद्देनजर रखते हुए अपने अपने डिसीजन लेते हैं. यही बात यहाँ की है. जहाँ तक केरला की बात है, जैसे प्रफुल्ल पटेल साहब ने बताया और ठाकुर साहब ने बताया कि स्थिति 40 सालों से हम चाहते हैं. आज भी वहाँ का जो लेफ्ट पंथ गवर्नमेंट है, इसमें मिनिस्ट्री में एनसीपी के एक हमारे सहयोगी आर्मी मिनिस्टर है. पिछले 5 साल के मिनिस्टर है. कई सालों से हम साथ करते थे, इसे कोई नई बात नहीं. कुछ राज्यों में अभी समझे वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल फॉर इंस्टेंस, हम लोगों को ये लगता है कि वेस्ट बंगाल में आज की स्थिति में जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की लीडरशिप अपने पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंटल पावर का इस्तेमाल करके वहाँ के चीफ मिनिस्टर और तृणमूल कांग्रेस के ऊपर जो हमले कर रहे हैं, ये सब देखने के बाद कोई भी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी का कोई आदमी हो या पार्टी हो, इनकी जिम्मेदारी है कि ममता जी को जाकर साथ करें. इस तरह का अफसोस हमने लिया है. जगह जगह पर ये हमारा अफसोस है. जहाँ खाली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ वर्जित से खड़ा रहने की बात आती है, तब बाकी सब बातें छोड़कर हम इनके साथ जाते हैं और जाने की तैयारी इसके आगे भी हमारे हमेशा रहेगी. पवार साहब, ये कहा गया कि यू आर नॉट हैप्पी विद, क्या है आपकी राय? अच्छे हमने किया, इसीलिए सब एक्सपोज हो गए. वहाँ के जो होम मिनिस्ट्री है उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है, उन्होंने पूरी तरह से संभाली और इसमें जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनको लोकेट किया, उनको एक्सपोज किया और सख्ती से कदम उठा सकते हैं ये दिखाया. इसका लाभ ही चलिए हो गया. सर, परमवीर सिंह को इस्तीफा लिया जा रहा है. सर, जो पुलिस आयुक्त है परमवीर सिंह, उनका इस्तीफा लिया जा रहा है. अरे ये मैं कैसे बताऊँगा आपसे, सीएम साहब को पूछना चाहिए. सर, आपका ऑफिसर कौन पोस्टिंग होगा, जाएगा, कब वर्क होगा? क्योंकि आपकी वहाँ सरकार है, आपके दोनों के चर्चा से निर्णय होते हैं, इसलिए पूछे आपसे. कुछ सर, जिसे डेवलपमेंटल पॉलिसी के बारे में हमारी बात होती है, किसी को अपॉइंट करना, किसी को ट्रांसफर करना, इससे हम दिलचस्पी लेते हैं, इससे हमें इंटरेस्ट नहीं. सर, यू मेंशन दैट द होम डिपार्टमेंट डिड अ गुड जॉब. सर, यू जस्ट मेंशन दैट द होम डिपार्टमेंट डिड अ गुड जॉब, but the arrest was done by the NIA and not the state government or the state police, sir. No, it started from police, state police and NIA come after. So why did it not arrest Vazey then, sir? No, in fact, the process started by Bombay police. Sir, when they got a request from the NIA, they should be transferred to them without any hesitation transferred. सरकार से पहले अपोजिशन